तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मुझे पता है आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि यार बहुत सारी बातें हुई और फाइनली आज 20-25 दिन तक मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर था। ना तो मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा, ठीक है, हाँ बहुत सारे कॉल आए शुरुआत में, तो मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। लेकिन यार जब मेरे को थोड़ा ठीक हुआ और उसके बाद में आपके बहुत सारे मैसेज आता है कि भाई आप उठो और वीडियो बनाओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या सच्चाई वो है कि सच्चाई कुछ और है। तो गाइज सबसे पहले जो लोगों ने मुझे बोला कि यार वो ऐसा करता है वैसा करता है, मेरे साथ वैसा किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यार मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। आप सोचते रहेंगे कि यार सफाई देने के लिए आ गया, वैसे तो मेरे जो रियल व्यूवर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई कोई है जो किसी के कहने पे उछल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ 25 दिन में क्या हुआ, 20 से 25 दिन हुए शायद, 22 तारीख से 23 24 तारीख को ये सब कांड हो रखा था मेरे साथ, ठीक है। तो क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आज तक जितने भी मैंने दिन निकाले हैं, ठीक है, कैसे निकाले, और मेरी लाइफ के सबसे घटिया दिन थे। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ब्रेकअप, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर देखें ना तो ये जो दिन है ना मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल दिन है। पता है क्यों? ऐसे कई बार हुआ है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन यार जिसको हम हाथ पकड़ के ऊपर खींचते ना, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वो ही कहीं ना कहीं एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार सात चारों लड़कियां पांचों लड़कियां जितनी भी लड़कियां हैं शायद मेरे में ही कोई कमी हो ही रहेगी। लेकिन बाद में पता चला ये तो एक ही जगह पे एक ही बेंच पे बैठ के एक ही जगह पे साझी चल रहे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस बहुत सारी बातें वैसे तो करनी है, ठीक है, लेकिन हाँ क्या हुआ था 25 दिन के अंदर मैंने क्या किया। सागर झंझार की जल की अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लार और बाज की सागर झंझार की जल की अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लार की। संग्राम या संगम की लहरें आएगी, घंटे के बाद ये बता पाएंगे कि मरीज कब आपका हो सकता है। अच्छा,
हिस्सा है वो पूरा फट गया है, उसमें अंदर वेंस वगैरह हैं वो भी डैमेज हुई हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक कट गई हैं, तो उनको हम लोगों ने रिपेयर करके ठीक कर दिया है। उनको बकाए यहाँ भी सब छोटे हैं, मेन जो चोट है वो है इनके सिर की चोट, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी आपको मिलाने वाला हूँ मैं एक शख्स से, देखो कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना यार। कुछ कहना नहीं है? क्या कहना है बता, कुछ नहीं कहना मुझे तो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्लफ्रेंड बीवी क्या चल रहा है? बस ठीक है भाई, कर रही तुमको? कुछ नहीं यार, सभी को लाइक करो, फॉलो करो, सभी को सपोर्ट करो, बस और कुछ नहीं। अरे कोई नहीं, बस यार सामने वाले को तसल्ली मिले। कोई बात नहीं, गालियां दे दो हमें, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो बाहर, अभी शायद 2-3 दिन लगेंगे, हम बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। मिलने क्यों मना कर रहा था मुझसे? मतलब किसे? मुझसे। अरे छोड़ जाने दे, क्यों दिमाग खराब कर रहा है अभी तो। मतलब दुश्मन हो गए तेरे? दुश्मन क्या पता। अरे तू तो मेरा भाई है, दुश्मन नहीं है, लेकिन अंदर का तो पता नहीं कौन कैसा है। तो मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और बस मिलते हैं कुछ ही जल्द से जल्द मिलते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, तो बंद कर ले यार, अभी मैं बंद कर ले, अभी कोई दिक्कत नहीं। बंद दिखाओ ना इन लोगों को। क्या कुछ नहीं दिखाना? क्यों नहीं दिखाना? मतलब पूछते रहते हैं कैसा क्या हो, कौन सा हॉस्पिटल है, क्या है, सब बताते रहते हैं। अरे किसी को कुछ नहीं बताना, मैं बताना तो बताओगे सच्चाई क्या हुआ था? होगा क्या था तुम्हारे? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्सीडेंट वगैरह। बता गया नहीं सच्चाई अभी? एक्सीडेंट हुआ बताया नहीं अभी? नहीं बता देना सब, जो मतलब मतलब छुपाना क्या जो हुआ था सब बता दें। कुछ नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बस ठीक है। क्या बोलते हैं कि ऐसा समझो कि जिसको हमने ही पंख बना के दिए वो हवा में बहुत उड़ रहे हैं, बस ये कहना चाहता हूँ। लेकिन बस ये क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं, बस टेंशन ना लो, बस मैं सेफ हूँ और हर किसी को प्यार देते हो, सपोर्ट करो, बस बस बाहर निकलने तक वेट रहेगा, ठीक है। अभी शायद 2 दिन लगेंगे, 3 दिन भी लग सकते हैं, जैसे भी घर पे पहुँचेंगे उसके बाद में क्या रियल है क्या फेक है हम बता देंगे, ठीक है। जब तक सभी की तसल्ली के लिए गालियाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसको हमने बनाया था, हमने पंख बनाए थे जिनके, वो आज हमारे खिलाफ हवा में उड़ रहे हैं। अजगर और बाज की, सागर झंझार की, झलकी अंगार से, साहिल मझधार की, बागी जल्लाद की।
गाइज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मेरे को कहाँ किसने कहाँ बुलाया वो भी मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। मेरे को वहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है। वहाँ पे मैं गया, तीन बंदे थे, नशेड़ी टाइप थे, ठीक है। मैंने जो आप लोगों ने बोला ना कि साला झूठ बोल रहा है, एक्सीडेंट का ड्रामा करता है, सही बात है यार, मैंने एक्सीडेंट का ड्रामा किया था, लेकिन रियल में क्या हुआ था आपको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक एक्सीडेंट तो ये कॉमन चीज़ है यार, किसी का भी हो सकता है, लेकिन हाँ यार किसी को बोलेंगे कि अर्जुन को किसी ने मारा, चाकू से वार किया गया, कितना बुरा लगेगा यार। तो मैं ये छुपाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ, ठीक है। और कौन थे बंदे, मुझे ये ना ये आंखें पहचानती है, मैं ये आपको बोल नहीं सकता कि ऐसी शकल है, ठीक है ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले मेरे को पीछे यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कभी, और अभी भी ये नहीं, ये ऐसे पट्टी बंद बना, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, जिस जिसको, और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, FIR भी कर रखी, सारा कुछ मेरे पास है, ठीक है। और ये कोई और जाने दे यार, क्या मतलब तू, अरे छोड़, जाने दे जो बोला लोगों ने, अरे बोलने दे भाई, और जो काम पे ध्यान दो, जो फेक बोल रहे हैं ना उनके लिए तो मैं ये बोला कि साला मैं नाटक ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे रियल व्यूवर्स है ना उसको मैं खोल के बताना है, ना कि मेरे को साबित करना कि मेरे को एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे को मारा, मेरे को साबित नहीं करना, और नहीं सच बताओ नहीं तो मेरे को यूट्यूब पे काम करना है, ठीक है। अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ आप खुद देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा मुझे खून बहुत गिरा, उसके बाद में मैंने दो तीन लड़के आए मेरे को बचाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूछा, उस वक्त मैं, मेरे को होश तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, अपने लोगों को यार कि प्लीज़ यार मेरे को बचा लो कोई, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो क्या बोला पता है, साले तू नाटक करता है, तेरे को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, किसी ने नहीं सुनी मेरी, ठीक है। फिर फाइनली ये जो श्वेता करके है लड़की, ये कौन है, अनजान है, नहीं यार वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे काम करती है, बिल्कुल यार, ठीक है, सोशल एक्सपेरिमेंट, और उसका भी चैनल खोलूँगा मैं, ठीक है। अभी वो पता नहीं, पहले ऐसे नॉर्मली जो भी हो बात की बात है, ठीक है। तो उसको मैंने कॉल किया, उसका भाई आया, वो क्या डायरेक्टली हॉस्पिटल में मुझे एम्बुलेंस के थ्रू, ठीक है। वो भी वीडियो बनानी थी कि बनाती मैं बनाऊंगी करके, मैं बोला नहीं यार किसी को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद मैं उसने बोला कि किस किस को बुलाऊं, मैं बोला भाई सविता को बोला किसी को नहीं बुलाना, क्योंकि जिस बंदा बंदी कोई भी हो, जहाँ पे मेरे को बुलाया वहाँ पे ही, वो भी मेरा अपना ही था, जहाँ पे मेरे को बुलाया गया कि वहाँ पे आ जा, किस पे भरोसा करता मैं यार। इसीलिए मैंने बोला कि तेरे को कोई भी पूछे तो बोला कि मैं अनजान हूँ, ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं करती, इसीलिए ना तो इस पे मैंने भरोसा किया किसी पे। इसने बहुत कोशिश की जानने के लिए अर्जुन कहाँ है, पहले मैं यही कि गायब हुआ, इसी तरह मैंने वो किया, ठीक है। तो उसके बाद में राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्या पता, कुछ पता ही नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साला मेरा कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है। फिर फाइनली मुझे कहीं कहीं लगा कि चलो यार एक जन को बोलना चाहिए राज को, फिर मैंने लड़की को बोला, मैं बोला यार तो कोई बात नहीं, तो उस इस एक एक लड़के को बुला ला, ठीक है। जब मेरे पास राज आया, ठीक है, और राज ने जो हालत देखी, और उसी वक्त उसने वीडियो बनाया, मैं बोला भाई नहीं वीडियो वगैरह नहीं, और पूरी टीम को, जो टीम मतलब जितने भी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, घर चलाते थे वो, मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ, ठीक है, आप भी कुछ कुछ जॉब करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्यों आते हो, रोजी रोटी के लिए आते हो ना, पेट के लिए आते हो, ठीक है। और मेरे जो पीछे मेरे नाम से आज एक चैनल नहीं 20 चैनल चल रहे हैं, 20 चैनल 20 घर का पेट पाल रहा है, 20 लोगों का पेट, और मेरा भी, यार जो बोल रहे ना हमारी फेक लव स्टोरी थी वैसी थी बेटा, उससे तेरे को ढाई साल तक तेरा घर चला है, तेरा पेट पल रहा है, जैसे तू बोल रही है ना फेक स्टोरी थी, स्क्रिप्टेड वीडियो था, क्या मतलब छोड़ना सब, ठीक है अपना काम। तो गाइज मैं, मेरा मोबाइल दे एक मिनट, मतलब नहीं है हमें अपनी जिंदगी जीने, तो इसको बस ये बहुत पता है मुझे, ठीक है। और बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड, तो गाइज पूरी दुनिया बनाती है यार, लेकिन जो आपको मैंने बताया ना, एक एक हिस्सा, एक एक दिन गुजरता था मेरे साथ, वो मैंने मेरे वीडियो के अंदर बताया है,
क्योंकि आपको कहें कि मेरी जो लाइफ है, माई लाइफ है, वो अच्छी लगती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। वीडियो, रही बात वीडियो की, तो वीडियो स्क्रिप्ट बनती है, पूरी दुनिया बनाती है, ठीक है। और बड़े बड़े मूवी, न्यूज, क्या स्क्रिप्टेड बनता है, सारा सारा कुछ मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो गाइस जो भी मैंने बताया, मैं प्रूफ करना नहीं चाहता, ठीक है, पर मेरे पास सारे हैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या, और हाँ, जिस जिसको मेरी कहाँ कहाँ एफ आई आर चल रही है, कब शादी हुई, देखना है, इंस्टाग्राम पे आना, फॉलो मत करना, बोलेंगे कि यहाँ तो फॉलो कर, फॉलो मत करना, ठीक है। आपको सारा कुछ बता दूँ कि कहाँ का, मैं कैसे चल रहा है, उसका नंबर डालेंगे, आगे से भी डाल दे देंगे आपको, ठीक है। क्या कर लेना ऑनलाइन। और एक होता है कि यार मैंने मेरे बाप ने सिखाया कि बेटा, अगर जहाँ पे भी एक बार रोजी रोटी या फिर एक बार भी खाना खाया ना इसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कभी मत बोलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको अपना माना था, सभी को, और अपना मान के ना आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। मेरे माँ की कसम खाता हूँ, मेरे चैनल पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तुम्हारे चैनल पे, एक एक तुम्हारे चैनल पे जितनी भी वीडियो डली है मेरे हाथ से मैंने एडिट कर रखी है। कभी दिया तुम्हें सैलरी दी, वो जो एडिटर एडिट करता है, कभी सैलरी दी तुमने किसी ने, कैमरामैन को कभी सैलरी दी, एडिटर को सैलरी दी, कैमरा मेरा था, सारा कुछ मेरा था। और तू जो तुम बोल रहे हो कि पैसे खाता है, पैसा क्या है, तुम्हारे से कितना लिया भाई मैंने, ठीक है। और जो जैसे तुम किसी को फोन करके बोल रहे हो कि हाँ अभी तो हमारे व्यूवर्स जो है हमारी तरफ हो गए हैं, बेटा व्यूवर्स है तुम्हारी तरफ गिरगिट नहीं है, वो जो बदल जाएंगे। अगर मेरे से कोई गलती है तो वो बोलेंगे कॉमेंट में कि अर्जुन भाई तूने गलती की, प्लीज़ ना करो, बदलने वाले नहीं है, ठीक है। और व्यूवर्स मेरे से कितना प्यार कर, मैंने यूट्यूब पर आके ना पैसे तो पता नहीं कितने कमाए, लेकिन लोगों का प्यार बहुत पाया मैंने, पता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यहाँ व्यूवर्स बदले, उनको सब पता है, ठीक है। तो गाइस वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, एक एक प्रूफ है, ठीक है, आगे का समय तो बताएंगे वो भी चीज़ें, ठीक है। और मेरे पास मोबाइल के अंदर डाटा 2013 से लेके, ठीक है, और तू तो आई है मेरी लाइफ में 2019 में, कौन सही है कौन गलत है, बस तू, तेरे रास्ते अलग है ना, मैं तेरे को बदनाम नहीं करना चाहता था, नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे बाप ने बोला है कि बेटा झुक जाओ, अपनों के खिलाफ मत जाओ, ठीक है, तो ऐसा समझ ले कि मैं झुक गया हूँ, ठीक है ना। और रही बात ये, तू बोलती कि कमेंट ऑफ करने पड़े थे एक महीना, है ना बेटा, अगर मैं रियलिटी बताऊंगा ना, तेरे को 5 महीने तक कमेंट ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने तेरे से प्यार किया है, ठीक है। तू तो गाइज सब बात छोड़ो, आप बस अपना, हमें क्या करना, हमारे साथ क्या हुआ है वो हम जानते हैं, ठीक है। और बस आप जितने भी हो, जितने भी लड़की लड़के, जितने भी हो, अपनी लाइफ में खुश रहो, ठीक है। और अगर अर्जुन किसी के खिलाफ नहीं बोलना, और यार मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ कि अर्जुन लाल प्रियार इतना गंदा है तो क्यों उसके नाम पे खाते हो तुम। हाँ, मम्मी पापा की कसम है, अगर इतना गंदा है, इतना गलत है, तो मत लो नाम उसका। अगर अर्जुन लाल प्रियार टट्टी है तो खाते क्यों हो, यहाँ तो अर्जुन लाल प्रियार सही है, या फिर तुम्हें टट्टी खाने की आदत है ना। और सारे आरोप तुम्हारे मान लिए, ठीक है, वैसे तो वो एक गीता है वो अंदर, सबसे बड़ा धर्म है ये, सबसे बड़ा धर्म। जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास, जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। और हर दिन मैं उसको पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, इसकी कसम खा के बोलता हूँ। इन लड़कियों को तुम बोलते हो ना छेड़ा छेड़ा छेड़ा, गंदी नज़र से देखता था तुम्हें, बहन जो अपना मान के मैंने आगे बढ़ाया है, ठीक है। बहुत सा मैं ना तो किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बनाऊंगा वीडियो तुम्हारे खिलाफ। उस दिन तुम्हारे 5 महीने तक कॉमेंट ऑफ करने पड़ेंगे, लेकिन मैं घटिया नहीं हूँ कि मैंने बस
मैंने एक होता है ना कि बस एक चलो यार इन तुम सभी को बदनाम करने से साला मैं खुद बदनाम हो जाऊं, ठीक है। किसी को आज तक मैंने गंदी नज़र से तो देखने की बात छोड़ो, क्या बोलो मैं, अगर तुम इतने सच्चे हो, तुम इतने सच्चे हो कि अर्जुन ने छेड़ा किडनैप करके, तुम हर दिन घर पे जाती थी ना, घर पे तो मेरे रूम के अंदर किडनैप तो नहीं थी ना, तुम किडनैप थी क्या, ठीक है किडनैप नहीं, तो छुटकारा नहीं रहा था। हर दिन जब भी आती थी घर पे जाती थी, शाम को घर पे जाती थी, हाँ कहाँ से तुम्हारी मजबूरी हुई थी, ठीक है। अगर तुम इतनी भी सच्ची हो तो इसको, अगर तुम अच्छे सच्चे बाप की औलाद हो, जितने भी आरोप ये पकड़ के ना कैमरे के सामने आ जाना, बता रहा हूँ मैं हार गया हूँ, सच बताऊँ तो, ठीक है। और गाइस मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, इन लड़कियों को, इन सबको सपोर्ट करो, ताकि बस मैंने तो जब मेरे पास में आई थी तब भी मैं ये चाहता था कि बस ये हमेशा खुश रहे, भले मेरे खिलाफ गई उसके बावजूद भी बोल रहा हूँ तुम तुम्हारी लाइफ में खुश रहो, ठीक है। और मेरे जैसा घटिया इंसान तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, मेरे जैसे घटिया इंसान की परछाई भी ना पड़े, ठीक है। और मैंने नहीं किया था ये सारे आरोप, उसके बावजूद भी मैं सारे आरोप मान लिए, ठीक है। मेरा नाम कहीं यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम असली हो ना पता चल जाएगा कि तुम कितने 30 मार खाओ, टाइटल मत डालो, ठीक है। टाइटल पे मेरा नाम रहता है, थंबनेल पे मेरा रहता है, उसके वीडियो बनाओ, अपने अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो अपने काम पे करो, अपना काम ठीक है। अपने अपने यार मतलब एक पैसे कमाने के लिए तुम किसी को भी बदनाम करने जिसने तुम्हें देखो भाई आगे बढ़ाया नहीं है। यूट्यूब पे देखो हर कितने लोग फेमस है, उनकी नेगेटिव वीडियो बनती है, किस लिए बनती है, सिर्फ उनका नाम यूज करने के लिए, क्योंकि उनकी नाम से व्यूज आते हैं। तो खैर चलो हमें बात नहीं करनी इन बातों पर, जो हमारे साथ करेगा हम उसका, देखो हम इतने भी नामर्द नहीं है जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे साथ करेगा वो हम जवाब देना अच्छे से आता है, लेकिन अभी एक यूट्यूब पे बात हमें अभी इतना सुन तो ले, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे व्यू लाना खाने का काम नहीं है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर मैंने, मेरा जो प्राइवेट चैनल है अर्जुन लाल परियार करके पहले मैं बनाता था, 8 महीने में मोनेटाइज हुआ था, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था 8 महीने में, 12 महीने में पहली पेमेंट ली थी $100, ₹7000। तुम्हें तो भैंसू बिना वीडियो बिना वीडियो डाले तुम्हारे 5000 सब्सक्राइबर करवा दिए थे तुम्हारे, जाने दे लोग बस बात, और बस नहीं तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, अपनी लाइफ में खुश रहो और सभी को बोला आई लव यू यार, तुमने जितना टाइम तुम मेरे साथ रहे, ठीक है, और तब तक मैं अच्छा ही मानता था, और ऐसा नहीं कि आज भी तुम्हें गलत मान रहा, कोई बात नहीं, तुम आई लव यू यार सभी लड़कियों को, ठीक है, सभी को, ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आगे बढ़ो, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। बाकी जो लोग वो बोलते हैं फिर देख लो आप एक बार कैमरे को जूमिंग कर दो, बाकी और आपने क्लिप दिखा देगी हॉस्पिटल वाली क्लिप है हुआ है, लोग बोलते हैं फेक है, और बोलने दे यार उनको जो भी हो, लेकिन जो मेरे साथ किया ना यार किसी के साथ मत, कैमरे को जूम करो भाई, बोलो ये देखो अभी देखो ये ना, इसका आपका विश्वास ना हो कांटे तोड़ के दिखा सकता हूँ, नहीं छोड़ नहीं छोड़ दिक्कत नहीं, आपका आपको विश्वास नहीं है यहाँ पे भी आप विश्वास नहीं है तो अभी क्या तुम लोग नहीं मानने वाले, बस ये कोई हम अपने हेटर्स को नहीं दिखा रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं, अपने फैमिली को बता रहे हैं क्या हुआ बस, बाकी देख सकते हो छोड़ जाने दे, वापस बांध दे, ये देखो तो बाकी आप लोग खुद बता सकते हो क्या है, और बाकी मैं जब पट्टी करता हूँ तो वो वीडियो है मेरे पास, मैं क्लिप डाल दूँगा एक बार बाद में आपको, आप देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जो जिन लड़कों ने किया है उनको मैं माफ़ करूँगा नहीं भाई अर्जुन भाई, बस एक बार उनको मिल जाए मुझे, अभी ऐसी बातें बंद करता हूँ, बाद में बंद हूँ, चला ऐसी करना, ठीक है गाइस। तो यार कभी बस यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो बस बंद कर के पट्टी कर दूंगा, तो गाइस बस किसी को हेट ना फैलाएं, ठीक है, बस यार मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूं, नहीं अभी तो जो लोग और जो अदर यूट्यूबर हैं किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के उनसे इतनी विनती है किसी को बदनाम मत करो, हाँ यार किसी बहुत का सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं तो उन लड़कियों को बोल रहे हैं ना बोलो यार, ठीक है, वो उनके खिलाफ बिंदा संदा बोलते हैं गाली पर, प्लीज हाथ जोड़ के ये नहीं बोलो किसी को, ठीक है। इसे खंजर गोपना वो मैंने सुना था, लेकिन साला जब मेरे साथ हुआ ना तब मुझे पता चला, मैंने ये वाला गाना सुना था, सिर्फ सुना था, अब जॉब नहीं किया था, दुश्मन न करे दो।
दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये वाला ये गाना सुना था कि दुश्मन ना करे वो दोस्त ने काम किया, वो सुना था लेकिन साला आज सच में मालूम पड़ गया मुझे, ठीक है। और हर 6 महीने या 1 साल में 2-3 बार में ब्लड डोनेट करता था। लेकिन साला जब मुझे जरूरत पड़ी ना, कोई नहीं आया साथ में, ठीक है। बस यार और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यार ये तो वक्त रहते सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो अर्जुन लाल परिहार तुम्हारे सामने नहीं आता, ठीक है। और मेरे साथ क्या होता, वो एक मिस्ट्री बन जाती, ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि ये बंदा कहाँ गया, लेकिन आप लोगों को ये लगता कि यार सच में गायब हो गया है ना, या फिर डर के मारे भाग गया। नहीं यार, मैं मेरे पैर से खड़ा हुआ हूँ मैं। ये फेस वैल्यू जो अर्जुन लाल परिहार को जानते हैं ना, ऐसे ही नहीं बनी। तो गाइस किसी से हेट ना फैलाएं, ठीक है। और प्लीज यार किसी को हेट ना फैलाएं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यानी यार उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ इतनी 15 वीडियो बनाई है, 20 वीडियो बन गई है मेरे खिलाफ, और जबकि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। साला आप मेरे को दुख किस बात का पता है, ये नहीं कि मेरे को मारा, दुख इस बात का कि साला मैं हॉस्पिटल में मर रहा हूँ और ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार, ठीक है। तो गाइज नहीं तो मैं तारीफ करने के लिए ये वीडियो बनाई, ठीक है, ना किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाई, ठीक है, और ना ही मैंने मेरी सफाई देने के लिए वीडियो बनाई, ठीक है। बस जो मेरे व्यूअर जो इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ यार तुम्हारा हाल क्या है, क्या तुम किसने वो, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और इन लोगों के बयान की वजह से मेरे को दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यार वीडियो तो मेरी फैमिली भी देखते हैं ना। इन लोगों ने आरोप लगाया कि यार छेड़ता था, वैसा करता था। मेरे बाप ने बोला, साले तू वहाँ पे कमाने के लिए गया है कि लड़कियों को छेड़ने के लिए गया, तू आ घर पे खेतीबाड़ी कर, ठीक है। तो यार मेरा यूट्यूब का कैरियर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो सॉरी यार, आपने प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि यार अपनों के अगेंस्ट ना करो यार, जिसने आप लोगों को बनाया है, ठीक है। आपने मुझे नहीं बनाया, ठीक है, मेरी वजह से आपको लोग जानते हैं, ठीक है। और अपना मान के मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, चलो कोई नहीं, वो तो अभी आगे क्या होगा देखा जाएगा। चलो माफ़ करना है अगर हमारे से कोई। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन पराया, मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना कौन पराया, बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया।